हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। हमारी जो बुक कंप्लीट हो गई है और दूसरी भी हमने जो शुरू की थी मुकुंद माला स्रोत, वो भी कंप्लीट हो गई। सो आज हम एक नई बुक शुरू कर रहे हैं, राज विद्या, किंग ऑफ नॉलेज। इट्स अ ब्यूटीफुल बुक। श्री प्रभुपाद ने इसको स्मॉल बुक में भी दिया है। ये भगवद गीता के 9th चैप्टर में ये श्लोक आता है, उसके ऊपर ये बुक है। तो इट इज अ ब्यूटीफुल बुक और इसको पढ़ के आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, आई होप। तो आइए शुरू करते हैं इस बुक को। आज हम फर्स्ट लेसन पढ़ रहे हैं। फर्स्ट लेसन का नाम है राज विद्या, ज्ञान का राजा या किंग ऑफ नॉलेज। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। पंचकल्पतरुभ्यस्य कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस, पढ़ना शुरू कीजिए। श्री भगवान उवाच, इदं तु गुह्यतम प्रवक्ष्याम अवसूयते अनसूयवे ज्ञानं विज्ञानं सहितं यज्ञात्वा मोक्षते शुभात्। श्री भगवान ने कहा, प्रिय अर्जुन, तुम मुझसे कभी द्वेष नहीं करते हो, इसलिए मैं तुम्हें अत्यंत गोपनीय ज्ञान प्रदान करूंगा, जिसे जानकर तुम भौतिक अस्तित्व के क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। भगवद गीता 1.9। भगवद गीता के नवम अध्याय के ये प्रारंभिक शब्द सूचित करते हैं कि परम भगवान बोल रहे हैं। यहाँ पर कृष्ण को भगवान कहा गया है। भग का अर्थ है ऐश्वर्य और वान का अर्थ है युक्त से युक्त। हमें ईश्वर की कुछ संकल्पना तो है, किंतु ईश्वर से क्या तात्पर्य है, इस विषय पर वैदिक साहित्य में सुनिश्चित उल्लेख एवं परिभाषाएं दी गई हैं। वहां उन्हें एक शब्द भगवान में वर्णित किया गया है। भगवान समस्त ऐश्वर्यों से युक्त हैं, संपूर्ण ज्ञान, धन, शक्ति, सौंदर्य, यश तथा वैराग्य। जब हम किसी एक व्यक्ति में ज्ञान व्यक्ति में इन सारे ऐश्वर्यों को पूर्ण रूप में पाते हैं, तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि वे भगवान हैं। यूं तो अनेक धनी, ज्ञानी, प्रसिद्ध, सुंदर तथा शक्तिमान व्यक्ति हैं, किंतु कोई भी व्यक्ति एक साथ इन सारे ऐश्वर्यों से युक्त होने का दावा नहीं कर सकता। केवल कृष्ण स्वयं इन ऐश्वर्यों से पूर्ण रूप से युक्त होने का दावा करते हैं। तारम यज्ञ तप्ताम सर्वलोक महेश्वरम हृदयम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मिच्छति। मुझे समस्त यज्ञों और तपों का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर और समस्त प्राणियों का हितकर्ता तथा शुभचिंतक जानकर ऋषिगण भौतिक संसार के दुखों से शांति प्राप्त करते हैं। भगवद गीता 5.29। यहाँ पर कृष्ण स्वयं को समस्त कार्यकलापों के भोक्ता तथा समस्त ग्रह मंडलों के स्वामी सर्वलोक महेश्वरम घोषित करते हैं, क्योंकि व्यक्ति विस्तृत भूखंड का स्वामी होने के कारण गर्व का अनुभव कर सकता है, किंतु कृष्ण स्वयं को समस्त लोकों के स्वामी होने का दावा करते हैं। कृष्ण अपने को समस्त जीवों के मित्र होने का भी दावा करते हैं। सुहृद सर्वभूतानाम, सुहृदय सर्वभूतानाम। जब कोई व्यक्ति यह समझ लेता है कि भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी, प्रत्येक व्यक्ति के मित्र तथा सर्वस्व के भोक्ता है, तो वह अत्यंत शांत हो जाता है। शांति का वास्तविक सूत्र यही है। जब तक मनुष्य यह सोचता है कि मैं स्वामी हूँ, तब तक उसे शांति नहीं मिल सकती। भला स्वामित्व
का दावा कर सकने की क्षमता किसकी है? कुछ ही सदियों पूर्व रेड इंडियनों को अमेरिका का स्वामी माना जाता था। आज अपने जमाने में हम एक स्वामित्व का दावा कर रहे हैं, किंतु हो सकता है कि अगले 400 वर्ष या 1000 वर्षों में शायद कोई दूसरा उसका स्वामी होने का दावा करने लग जाए। भूमि तो यही है, हम सब यहाँ आते हैं और अपने को इसका स्वामी का झूठा दावा करते हैं, होने का झूठा दावा करते हैं। मिथ्या स्वामित्व की यह विचारधारा वैदिक आदेशों से अनुरूप नहीं है। श्री ईशोपनिषद का कथन है कि इस ब्रह्मांड के भीतर प्रत्येक चर या अचर वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और वे ही इनके स्वामी हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम, यह कथन एक वास्तविकता है, किंतु भ्रमवश हम अपने को ही स्वामी मान बैठते हैं। वास्तव में जो कुछ ईश्वर का है, अतः उन्हें सर्वाधिक धनवान कहा जाता है। आगे बढ़ो माता जी। निस्संदेह ऐसे अनेक आदमी हैं जो स्वयं भगवान होने का दावा करते हैं। उदाहरणार्थ, भारत में किसी भी समय दर्जनों ऐसे लोग सरलता से ढूंढे जा सकते हैं जो भगवान होने का दावा करते हैं, किंतु यदि उनसे यह पूछा जाए कि क्या वे प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, तो उनके लिए इसका उत्तर दे पाना कठिन हो जाता है। यह ऐसी कसौटी है जिसके द्वारा हम जान सकते हैं कि कौन भगवान है। भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः इस नाते वे अवश्य ही हर किसी व्यक्ति से तथा किसी भी वस्तु से अधिक शक्तिमान होने चाहिए। जब कृष्ण साक्षात इस पृथ्वी पर उपस्थित थे, तो उन्हें कोई पराजित नहीं कर सका था। युद्ध में उनके भी कभी भी पराजित होने का कोई साक्ष्य नहीं है। वे क्षत्रिय वंशी थे और क्षत्रियों का धर्म है निर्बलों की रक्षा करना। जहां तक उनके ऐश्वर्य की बात है, उनकी 16,108 पत्नियां थीं। प्रत्येक पत्नी का अपना एक अलग महल था और समस्त पत्नियों के साथ रमण करने के लिए उन्होंने अपने को 16,108 रूपों में विस्तृत किया था। यह अविश्वसनीय सा लगता है, किंतु इसका उल्लेख श्रीमद् भागवत में हुआ है, जिसे भारत के महान ऋषिगण शास्त्र के रूप में तथा कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। इस नवम अध्याय के प्रथम श्लोक में आए गुहितमम गुहितमम शब्द द्वारा श्री कृष्ण बताते हैं कि वे अर्जुन को अत्यंत गोपनीय ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। आखिर वे अर्जुन से ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसका कारण यह है कि अर्जुन द्वेष रहित अनसुयु है। भौतिक जगत में यदि हमसे कोई श्रेष्ठ होता है, तो हम उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। हम न केवल एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, अपितु भगवान से भी ईर्ष्या करते हैं। यही नहीं, जब कृष्ण कहते हैं कि मैं स्वामी हूँ, तो हम इस पर विश्वास नहीं करते। किंतु अर्जुन के साथ ऐसी बात नहीं है, वे ईर्ष्या रहित होकर कृष्ण की बात सुनते हैं। अर्जुन कृष्ण के साथ तर्क वितर्क नहीं करते, वरन वे जो कुछ कहते हैं उसे स्वीकार कर लेते हैं। यह उनकी एक विशेष योग्यता है और यही भगवद गीता को समझने की विधि है। अपनी मानसिक परिकल्पना से ईश्वर को समझ पाना संभव नहीं है, इसके लिए हमें श्रवण करना होगा तथा स्वीकार करना होगा। चूंकि अर्जुन ईर्ष्या रहित है, इसलिए श्री कृष्ण उन्हें यह विशिष्ट ज्ञान सुनाते हैं। यह केवल सैद्धांतिक ज्ञान ना होकर व्यवहारिक ज्ञान विज्ञान भी है, विज्ञान सहितम। भगवत गीता से हमें जो भी ज्ञान प्राप्त होता है, उसे भावुकता या धर्मांधता के रूप में नहीं लेना चाहिए। यह विद्या ज्ञान तथा विज्ञान दोनों ही है, अर्थात सैद्धांतिक ज्ञान के साथ ही वैज्ञानिक ज्ञान भी है। यदि कोई इस ज्ञान में प्रबुद्ध होले, तो उसकी मुक्ति निश्चित है। इस भौतिक जगत में जीवन स्वाभाविक रूप से अमंगलिक तथा क्लेशपूर्ण है। मोक्ष का अर्थ है मुक्ति, और यह वचन दिया गया है कि इस ज्ञान का मर्म समझ लेने से मनुष्य को समस्त क्लेशों से मुक्ति मिल जाएगी। अतः यह ज्ञान लेना महत्वपूर्ण है कि कृष्ण इस ज्ञान के संबंध में क्या कहते हैं।
राज्य विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष गम्मम धर्मम सुसखु कर्तुम अव्ययम। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा तथा संपूर्ण गोपनीय रहस्यों का रहस्य है। यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्म स्वरूप का प्रत्यक्ष साक्षात्कार कराने वाला है, अतः यह धर्म की पूर्णता है। यह अविनाशी है और इसकी साधना भी सुखमय है। भगवद गीता 9.2। हाँ, आज जो हमने ये पढ़ा इस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं, तो समझने का प्रयास करते हैं। जी, जैसा कि आपने देखा कि श्री प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हम सब नॉलेज एक्वायर करने के लिए होते हैं, ना। ह्यूमन लाइफ में अगर आप देखें तो हर कोई ज्ञान लेना चाहता है ना, जानना चाहता है। लेकिन यहाँ पे एक ऐसे विद्या की बात की जा रही है जो कि किंग ऑफ नॉलेज है, सभी राजाओं में राजा। तो भगवद गीता में इसको बोला गया राज विद्या। तो भगवद गीता का जो ज्ञान है, जो भगवान ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था, वो दुनिया का जितना भी ज्ञान है उन सभी ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ है। क्यों सर्वश्रेष्ठ है वो भी बता देंगे। ये बहुत है कि हाउ कैन वी नो कि विच नॉलेज स्टैंड रियली अबव द रेस्ट। हम कैसे समझेंगे कि कौन सा ज्ञान अन्यों से सर्वोत्कृष्ट है। तो यदि हम इस गुह ज्ञान को जो भगवान ने दिया है नॉलेज, इसको कहते हैं इस नॉलेज को सीक्रेट ऑफ सीक्रेट। इतना गुह ज्ञान है कि अर्जुन को ही भगवान ने केवल दिया, बाकी किसी को नहीं दिया, लेकिन अर्जुन के माध्यम से एस्टैब्लिश किया इस दुनिया में ये ज्ञान। और ये ज्ञान सभी ज्ञान में सीक्रेट ऑफ सीक्रेट। तो जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, भाग्यवान होते हैं, वो गुरु शिष्य पर प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा में इस ज्ञान को ग्रहण करते हैं और अपना जीवन सफल बनाते हैं। तो आज आप लोग बहुत भाग्यवान है, ये सीक्रेट नॉलेज, सीक्रेट ऑफ द सीक्रेट। तो हर कोई, आप सब, आप लोग के अंदर भी जिज्ञासा होती ना कि हम ऐसे ज्ञान के बारे में पढ़े, लेकिन गोपाल यहाँ पे समझा रहे हैं। तो भगवत गीता 9th chapter है ना, परम गुह्य ज्ञान उसका नाम। तो उसमें फर्स्ट श्लोक है, उसमें भगवान कहते हैं कि हे प्रिय अर्जुन, मैं तुम्हें ये नॉलेज दे रहा हूँ। द फर्स्ट रीजन, फर्स्ट क्वालिफिकेशन क्या है? अनुसूयवे, आप मुझसे या किसी से भी द्वेष नहीं करते। तो यानी ये फर्स्ट लेसन क्या है कि जब जीव किसी से ईर्ष्या नहीं करता, सरल हृदय का रहता है, तो वो भगवत ज्ञान प्राप्त करने का, ये किंग ऑफ नॉलेज, सीक्रेट ऑफ सीक्रेट नॉलेज पाने का अधिकारी हो जाता है। क्योंकि ये नॉलेज जो आपको प्रोवाइड अभी की जाएगी, ये नॉलेज सभी विद्याओं में राज विद्या है। तो कैसे राज विद्या है ये भी श्री प्रभुपाद प्रूव करेंगे। तो इस ज्ञान को लेने से क्या होगा? भगवान कहते हैं कि ज्ञात्वा मोक्षते अशुभात, जितने अशुभ हैं, क्लेश हैं, इसे तुरंत मुक्त हो जाओगे, भौतिक क्लेशों से तुरंत मुक्त हो जाओगे। आज हमारे कोरोना वायरस देखिए चारों तरफ फैला हुआ है ना, हम सभी कितने परेशान हैं और सभी मुक्त होना चाहते हैं। तो वैक्सीनेशन जब आया तो हम लोगों को बहुत राहत कि वैक्सीनेशन आ गया है, नाउ वी आर सेफ। लेकिन हम कितने सेफ हैं ये हमें नहीं पता। एक कोरोना वायरस का वैक्सीनेशन है वो भी कितना रहेगा पता नहीं है ना। जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, ये जो क्लेश है आदि दैविक आदि भौतिक आदि आध्यात्मिक, इनसे वैक्सीन के द्वारा नहीं बाहर निकला जाता है ना। हम जन्म को नहीं रोक सकते, हम मृत्यु को नहीं रोक सकते, हम बुढ़ापा को नहीं रोक सकते, या कितने भी कॉस्मेटिक कर ले या कुछ कर ले, बुढ़ापा आके रहेगा, और हम मृत्यु को भी नहीं रोक सकते। तो ये क्लेश से कैसे मुक्त हुआ जाए परमानेंट, तो उसके लिए जो ये विद्या दी जा रही है वो है राज्य विद्या। इसको प्राप्त करके जीव जो है जितने भी भौतिक क्लेश हैं इनसे मुक्त हो जाए। लेना चाहेंगे ये ज्ञान आप लोग? जी माता जी। यस,
तो भगवान सबसे पहले एक्सप्लेन कर रहे हैं, श्री प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि पहले ज्ञान को समझने के लिए ये समझना होगा कि भगवान कौन है, क्योंकि श्लोक में श्री भगवान उवाच ये फ्लोसी वर्ड आया। तो श्री प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भगवान का क्या मतलब होता है। तो अगर वन वर्ड में आंसर देना हो तो हम बताते हैं कि जिसके अंदर सिक्स ऑपुलेंस पूर्ण मात्रा में होते हैं वो भगवान होते हैं। सभी शास्त्रों के अनुसार जिसके अंदर ये छह ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में होते हैं वो भगवान होते हैं। तो भग मतलब होता है ऐश्वर्य और वान का मतलब होता है धारण करने वाले या उससे युक्त। तो भगवान के अंदर छह ऐश्वर्य कौन कौन से है कि उनके अंदर संपूर्ण ज्ञान है। कोई थोड़ा सा नॉलेज रख सकता है, ये कर सकता है, लेकिन भगवान के अंदर संपूर्ण दुनिया के हर व्यक्ति का नॉलेज रखते हैं, हर चीज का नॉलेज है, क्योंकि हर चीज को क्रिएट करने वाले हैं। तो भगवान के समान नॉलेजेबल कोई नहीं हो सकता। लोग नॉलेजेबल होते हैं, है ना, आप देखिए किसी इंटेलिजेंट लोगों से मिले तो कितने इम्प्रेसिव लगते हैं, है ना? आपने ऐसे ऐसे लोगों से मिले होंगे आप, इंटेलेक्चुअल लोगों से, है ना, कभी क्लासेस की हुई है, अपने हमारे टीचर्स होते हैं, तो फिर हम कितने प्रभावित होते हैं कि कितना नॉलेज है उनको और कितना सही नॉलेज है। लेकिन भगवान के पास जो नॉलेज है वो संपूर्ण नॉलेज है। धनवान है ना, भगवान जितने धनवान है उतना कोई भी धनवान हो ही नहीं सकता। तभी भगवान कहते हैं जितने प्लैनेटरी सिस्टम है सब मुझसे बिलोंग करते हैं, लेकिन कोई क्लेम कर सकता है? भगवान का तो पूरा पूरा समझ, 14 भुवन भगवान का ही है ना, ऐश्वर्य धाम जो है भगवान का ही है, गोलोक धाम भी भगवान का ही है। तो मतलब भगवान जितने धनवान है उतना धनवान तो कोई हो ही नहीं सकता। शक्तिशाली, पावरफुल, ये भी अट्रैक्शन होता है, ये भी ऑपुलेंस होता है। कोई बहुत पावरफुल है तो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन भगवान तो सर्वशक्तिमान, उनके जैसा शक्तिमान शक्तिशाली तो कोई है ही नहीं। सौंदर्यवान, परम सौंदर्यवान, कोई बहुत खूबसूरत होता है तो हमारा दिमाग वैसे ही इसकी तरफ चला जाता है ना। लेकिन भगवान कैसे हैं? परम सौंदर्य, उनके जैसा सुंदर कोई नहीं। यशस्वी, फेमस पर्सनालिटी, बहुत कोई फेमस व्यक्ति होता है और आपसे मिले मतलब आपको कैसा लगती है, है ना, जैसे हमारी फेमस पर्सनैलिटीज है ना, मोदी है, सचिन तेंदुलकर है, अभिनेता है, ये अगर कभी आपको मिले तो आप फोटो खींचा के रखना चाहते हैं ना, और फिर उसको अपने वेब क्या बोलते हैं उसको, आप लोग वेबसाइट पे डालते हैं, है ना, अपना दिखाने के लिए हम इनसे मिले थे ना। लेकिन भगवान कैसे हैं? भगवान परम यशस्वी, तीनों लोकों में भगवान के यश का गान किया जाता है और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी भगवान का ज्ञान गान। और क्या है भगवान? वैराग्य। इतना कुछ होने पर भी अगर कोई व्यक्ति बहुत खूबसूरत हो, नॉलेजेबल हो, सुंदर हो, फेमस हो, लेकिन उसके साथ भी किसी चीज से अटैच ना हो, वैराग्यवान हो, तो वैराग्य जो होता है ये भी एक ऑपुलेंस होता है। लेकिन भगवान के समान वैराग्यवान तो कोई भी नहीं। तो इसलिए इस सिक्स ऑपुलेंस जिसके अंदर होते हैं वो भगवान होते हैं। कौन कौन से? ज्ञान, धन, शक्ति, सौंदर्य, यश और वैराग्य। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भगवान का क्या डेफिनेशन है, तो भगवान की ये डेफिनेशन है कि जिसके अंदर ये छह ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में पाया जाता है। तो जिस भी स्क्रिप्चर में बताया गया कि जिसके अंदर भी ये छह ऑपुलेंस पूर्ण मात्रा में पाया जाता है वो भगवान होते हैं। कृपा यहाँ पे बता रहे हैं कि हम किसी एक व्यक्ति में इन सारे गुणों को पूर्ण में पाए जाते हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि वो भगवान ज्ञानी है, सुंदर है, शक्तिशाली है, किंतु कोई व्यक्ति एक साथ इतने गुणों से युक्त नहीं हो सकता। किसी पर थोड़ा बहुत भी ऐश्वर्य हो तो वो कितना अट्रैक्टिव होता है, और अगर भगवान साक्षात हो सोचिए आपके सामने तो वो आप कितने अट्रैक्टिव हो। तो यहाँ पे बता रहे कि केवल भगवान ही ये छह ऐश्वर्य से पूर्ण रूप से उनके अंदर होता है। भगवद गीता में भगवान ने फिफ्थ चैप्टर 29 श्लोक, लास्ट श्लोक है, उसमें भगवान खुद कहते हैं कि भोक्तारम यज्ञ तप्ता सर्वलोक महेश्वरम सुहृदय सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। हम सब आजकल शांति की तलाश में है ना,
हम पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ बॉडी, मतलब हर जगह हम शांति चाहते हैं, लेकिन हम देखते हैं इतना प्रयास करके भी, बाहर के भी देशों में लोग प्रयास करते हैं, यूनेस्को वगैरह बनाते हैं कि मतलब हम शांति बना सकें, लेकिन हम देखते हैं कहीं भी शांति नहीं। तो इसका सूत्र है, शांति सूत्र है भगवद गीता में, कि जब तक हम ये नहीं जानेंगे समस्त यज्ञ तपों के परम भोक्ता कृष्ण है और समस्त लोगों तथा देवताओं के परमेश्वर है और सबके हित करता है, शुभ चिंतक वेल विशर है, जब कोई जानता है कि कृष्ण यही ये सब है, तब क्या होता है, वो सारे भौतिक दुखों से शांति प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करें कि कृष्ण जो है सर्वलोक महेश्वर और वो सुप्रीम इंजॉयर है, वो भोगता है, लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, हम इंजॉयर, ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमारा शरीर है, ये हमारा घर है, ये हमारी कार है, तो इसको क्या करना चाहिए, मुझे इंजॉय करना चाहिए। लेकिन जब हम इंजॉय करते हैं तो हम देखते हैं दुखों में घिरे रहते हैं। तो मेन और मुख्य इंजॉयर जो है वो कृष्ण है। इसीलिए भारतीय परंपरा में जब हम कोई चीज खरीदते हैं, कोई चीज लेते हैं, संसार में भी अगर आप देखिए तो रहता है कि हम पहले भगवान को उसको ऑफर करते हैं, मंदिर ले जाते हैं, यज्ञ करते हैं, करते हैं ना, नया घर बनाते तो यज्ञ करते हैं ना, ब्राह्मण को बुला के, जी माता जी, है ना। आप कोई कार खरीदिए, लैपटॉप खरीदिए, कुछ भी नई चीज खरीदिए, तो क्या करते हैं, उसको मंदिर ले जाते हैं, भगवान को ऑफर करते हैं। तो क्यों करते हैं? दिस इज द साइंस बिहाइंड दैट। एवरीथिंग बिलोंग टू कृष्ण एंड कृष्ण इज द मेन इंजॉयर। लेकिन लोगों को पता नहीं है क्योंकि लिंक नहीं है, भक्ति नहीं है, सही ज्ञान नहीं है, तो प्रोसेस तो है लेकिन वो क्यों किया जाता है ये नहीं पता, क्योंकि कृष्ण इज द सुप्रीम इंजॉयर। ये बात है किसी चीज और क्या है, भगवान सर्वलोक महेश्वर, केवल इस पृथ्वी के ही भगवान मालिक नहीं है, ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह है ना, 14 प्लेनेटरी सिस्टम है और जितने भी ग्रह हैं उन सब के लोकों के महेश्वर हैं, ईश्वर हैं, कौन, श्री प्रभुपाद कह रहे हैं सब लोग स्वामी होने का गर्व का अनुभव कर सकते हैं, किंतु कृष्ण समस्त लोकों के स्वामी सचिव। और कैसे है भगवान, सर्वभूताना सुहृदय सर्वभूताना, तो सुहृदय बहुत से लोग होते हैं ना, वेल विशर बहुत से लोग होते हैं ना, ये हैं वे हैं, लेकिन भगवान सबके वेल विशर है और एक्चुअल वेल विशर है। भगवान सबके हृदय में रहते हैं, कोई व्यक्ति किसी के हृदय में नहीं रहता है, है ना, माता पिता ये हमारे हृदय में नहीं रहते, लेकिन भगवान कैसे हैं, हमारे हृदय में रहते हैं, हमें जानते हैं, हमारी हर एक्टिविटी को जानते हैं। तो भगवान क्या है, हमारे सुहृदय सर्वभूताना, सभी लोगों के भगवान जो है वेलविशर है। तो शांति का ये सूत्र है, जब मनुष्य सोचता है कि मैं स्वामी हूँ तब वो अशांत हो जाता है। तो जैसे श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि अमेरिका अभी कुछ साल पहले रेड एलियंस जो थे वो सोचते थे कि वो दुनिया पर केस में शासन करते हैं, उनके जैसा कोई नहीं, लेकिन आज वो नहीं है, फिर दूसरे लोग हो जाते हैं, फिर वो क्लेम करते हैं ये मेरा है, है ना। जैसे आज आपने जो मकान खरीदा जहां आप रह रहे हैं, वो प्रॉपर्टी पहले भी थी किसी और की थी, है ना, फिर उसके पहले किसी और की थी, लेकिन हम दावे चेंज करते जाते हैं और कहते हम हैं, हम थोड़े समय के लिए रहेंगे फिर चले जाएंगे, तो हम स्वामी कहाँ है। स्वामी तो वो होता है जो हमेशा दावा करे कि मेरा है ये, है ना जी माता। ये दावा केवल भगवान कर सकते हैं। और ईश उपनिषद में बताया गया है कि ईशावास इदम सर्वम, इस ब्रह्मांड के भीतर चर अचर लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग सब कुछ कंट्रोल किसके द्वारा होता है, उत्पन्न किसके द्वारा, कृष्ण के द्वारा, एकदम साफ साफ शास्त्रों में लिखा है। तो यह कथन वास्तविक है, इसको भ्रम नहीं मानना चाहिए और हमें इस भ्रम को त्यागना चाहिए कि हम मास्टर हैं, इंजॉयर हैं या मालिक हैं, ये हमें समझना होगा। तो राज विद्या का फर्स्ट नॉलेज ये है कि भगवान जो है वो कृष्ण है, सुप्रीम इंजॉयर जो है वो कृष्ण है, है ना, हम उनके दास हैं। ये अगर हम समझ लेंगे तो हमारे जीवन में शांति आनी शुरू हो जाएगी।
तो इसीलिए अनेक लोग होते हैं शिल्पपात कर रहे हैं। जैसे भारत में भी किसी समय दर्जनों ऐसे लोग सरलता से ढूंढे जा सके जो भगवान होने का दावा करते हैं, क्योंकि यदि उनसे ये पूछा जाए कि प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, तो उसका उत्तर दे पाना उनके लिए कठिन हो जाता है ना। तो यह ऐसी कटोरी जिसको हम जान सकते हैं कि कौन भगवान है। भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी है ना। हर व्यक्ति अवश्य हर किसी व्यक्ति के साथ किसी भी वस्तु से अधिक शक्तिमान होना चाहिए। जब कृष्ण साक्षात इस पृथ्वी पर उपस्थित थे, तो उन्होंने लीलाएं जो प्रदर्शित की, वो लीलाएं कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, कितनी भी सिद्धि प्राप्त कर, है ना। कोई अपना एक्सपेंशन ज्यादा से ज्यादा 8 रूपों में या 9 रूपों में कर सकता है सिद्धि प्राप्त करने के बाद। लेकिन भगवान का अगर हम ऑपुलेंस पढ़ते हैं, जब द्वारिकाधीश थे, वो रुक्मणी द्वारिकाधीश थे, और जब उन्होंने विवाह किया 16,108 रानियों के साथ, तो एक साथ एक समय सबके महल में प्रवेश करते थे। तो भगवान 16,108 ही क्यों, अन्य शास्त्रों में शिल्पी उपाध लिखते भगवान तो हर जीव के साथ उनका एक्सपेंशन है, तो भगवान ही ये कर सकते हैं। तो भगवान का ऑपुलेंस मतलब कोई तुलना भी नहीं कर सकता कि भगवान कितने ऐश्वर्यशाली है। तो 9th चैप्टर के प्रथम श्लोक में बताया गया है कि सुहृदय सर्वभूता नाम कौन है, भोक्ता कौन है, वो है कृष्ण। और फिर बताया गोहितमम, एक होता है गुही गोहितर एंड गोहितमम, गुड बेटर बेस्ट, ऐसे पढ़ते ना हम लोग सुपरलेटिव, ऐसे ही संस्कृत में होता है गुही गोहितर एंड गोहितम। गुही मतलब सीक्रेट, गोहितर मतलब मोस्ट सीक्रेट, एंड गोहितमम मतलब सीक्रेट ऑफ द सीक्रेट, है ना। तो भगवान कह रहे हैं अब मैं तुम्हें जो ज्ञान देने जा रहा हूँ राज विद्या का, वो गोहितमम है। मतलब क्या है, बेस्ट मतलब बहुत सीक्रेट ऑफ द सीक्रेट। तो अर्जुन को अत्यंत गोपनीय ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। आखिर वे अर्जुन को क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया अनुसूय अनुसूय तुम जो हो ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए तुमको ये ज्ञान दिया जाता है। तो हमें भी समझना चाहिए कि हम अगर ईर्ष्या करेंगे, द्वेष करेंगे लोगों से, तो हम भगवान का ज्ञान प्राप्त करने योग्य नहीं है। तो अर्जुन को ये ज्ञान दिया गया क्योंकि अर्जुन के अंदर एक क्वालिफिकेशन थी कि वो ईर्ष्या नहीं करता था। कैसे सिद्ध होता है, उसके पास पूरे रीजन थे युद्ध करने के। दुर्योधन ने आतताई के सारे नियम को पार कर दिया था, तो अर्जुन के पास पूरा पूरा जस्टिफिकेशन था युद्ध करने का, लेकिन फिर भी युद्ध के पहले वो कह रहा था कृष्ण से, कृष्ण मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं भिक्षा मांगकर जो है रह सकता हूँ, लेकिन मैं युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि इनको नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं, है ना। तो आप देखिए उसके पास सारे रीजन थे, पांडव को कितना दुख मिला था याद है आपको महाभारत में, जी माता, है ना। तो लेकिन फिर भी अर्जुन कितना साधु स्वभाव का था कि दुर्योधन से युद्ध नहीं करना चाहता था। वो सोच रहा था कि मैं इतने लोगों को मार कर राज्य कैसे कर प्राप्त करूंगा, लेकिन दुर्योधन ये नहीं सोच रहा था, वो गलती करके भी युद्ध करने के लिए तैयार था, है ना जी। तो यही हाँ, तो ये दो मेंटेलिटी है, एक दुर्योधन की एक अर्जुन की। तो जो अर्जुन मेंटेलिटी के लोग होते हैं, जो ईर्ष्या नहीं करते, भगवान से प्रेम करते हैं, उन लोगों को ये जो राज विद्या है इसको ग्रहण करने की योग्यता होती है। तो श्री प्रभुपाद कहते हैं कि ये केवल ऐसा नहीं कि आपको नॉलेज जो भगवान देंगे ये केवल एक प्रिंसिपल सिद्धांत रहेगा, नहीं, ये विज्ञान भी है, है? ये ज्ञान के साथ साथ विज्ञान भी है, इसलिए ये राज विद्या है। केवल ये सिद्धांत ही नहीं बल्कि बिल्कुल प्रैक्टिकल है। आजकल हम सब बात करते हैं ना, हमें प्रैक्टिकल, हम बी प्रैक्टिकल मैन, बी प्रैक्टिकल। तो ये भगवत गीता का ये जो ज्ञान है, ये केवल ज्ञान ही नहीं है बल्कि विज्ञान भी है। जैसे भगवत गीता में कहा कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो विज्ञान है ना, हम देख सकते हैं ना कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और हम शरीर नहीं आत्मा है दुनिया के हर जीव पर लागू होता है ना। चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे चीटी हो, चाहे मछली हो, चाहे कॉकरोच हो, चाहे बंदर हो, जीव हर जीव पर लागू होता है ना कि वो शरीर नहीं आत्मा है।
शिवरी, आपको ऐसे लग रहा है? जी माता जी, लगता है ना? तो आप इसको बहुत आराम से प्रूफ करते हो। साइंस का क्या मतलब है? कोई भी नॉलेज हो वो यूनिवर्सल ट्रुथ हो। जी माता, आप देखिए, हम शरीर नहीं आत्मा है, ये आप यूनिवर्सल ट्रुथ है ना, हर किसी पर लागू होता है। जी माता जी, तो इसी तरह भगवान का जो दिया गया ज्ञान है, भगवान कह रहे हैं देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मुह्यते। देह में ये परिवर्तन होता है, जन्म लेता है, बचपन में रहता है, बड़ा होता है, यौवन अवस्था आती है, फिर वृद्धावस्था आती है, फिर मर जाता है। तो ऐसा सभी के साथ है ना? जी माता जी, है ना, यूनिवर्सल ट्रुथ है ना, हर जीव के साथ। ऐसा नहीं कि इंडिया में है और अफ्रीका में नहीं है, अफ्रीका में है लेकिन चाइना में नहीं है, न्यूजीलैंड में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, रशिया में नहीं है ना, या केवल छोटे लोगों को ही होता है, बड़े लोगों को नहीं होता, ऐसा नहीं है। हर किसी को इस स्टेजेस से होके गुजरना होता है। तो हुआ ना, देखिए ज्ञान भी है लेकिन विज्ञान, इसलिए ये ज्ञान, ये जो नॉलेज है, ये धर्म ब्लाइंड फेथ नहीं है। आप इसको बिल्कुल आप जस्टिफिकेशन के साथ देख सकते हैं। तो यदि कोई इस ज्ञान में प्रबुद्ध हो ले तो वो मुक्ति निश्चित प्राप्त करता है। जबकि आप अगर मान लीजिए डॉक्टर बन जाइए, कंप्यूटर साइंटिस्ट बन जाइए, इंजीनियर बन जाइए, है ना, तो आपको मुक्ति मिल जाएगी क्या? नहीं माता जी, ये जो मिजरीज है, ये कोरोना वायरस आपको नहीं होगा, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि ये राज विद्या क्यों है, क्योंकि इसको एक तो सबसे पहले आपने देखा कि उत्तमम है, उत्तम ने उत्तमम है मतलब बेस्ट। दूसरी चीज आपने देखा कि इसमें जो है ज्ञान भी है और विज्ञान भी है ना, और तीसरी बात देखा कि इसको प्राप्त करके आप जितने भी कष्ट हैं, जो क्लेश हैं, इनसे मुक्त हो जाएंगे। और कोई व्यक्ति अगर कहे वैक्सीनेशन लगा के आप मुक्त हो जाएंगे, ऐसा हो सकता है? कोई गारंटी नहीं जी माता, है ना जी माता। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि अगर तो आप ये नॉलेज लेंगे तो आप निश्चित इस मिजरी से मुक्त हो जाएंगे। तो दीज आर द क्वालिटीज जिसके द्वारा ये जो भगवान का ज्ञान है, जो कि 9th चैप्टर में मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, इस बुक चैप्टर का नाम है परम गुह्य ज्ञान। तो अर्जुन को भगवान ने जो ज्ञान प्रदान किया है 9th चैप्टर, ये सीक्रेट ऑफ द सीक्रेट है, और ये हमें सभी प्रकार के जो क्लेश हैं उनसे मुक्त कर देता है। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि 9.2 वाला श्लोक है, 9.1 हमने पढ़ा, 9.2 था कि कैसा नॉलेज है, राज्य विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसखम कर्तु अव्ययम। अब उस विद्या के बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं भगवान कि ये ज्ञान जो है सभी विद्याओं का राजा है, और क्या है, संपूर्ण गोपनीय रहस्यों का रहस्य, सीक्रेट ऑफ द सीक्रेट। मैंने बोला था ना कि जितने भी सीक्रेट्स हैं उन सब में सबसे कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, और कैसा है ये परम शुद्ध है, और क्या है, क्योंकि ये आत्मा के स्वरूप का प्रत्यक्ष अनुभव कराएगा। आप जो इतना कुछ करके अपने आप को अनसेटिस्फाइड फील करते हैं बिकॉज आप जो हैं उसके बारे में नॉलेज नहीं ले रहे, और भी क्षेत्रों में आत्मा के बारे में नॉलेज दिया जाता है, लेकिन जैसा इस बोनाफाइड डिसाइपलिक सक्सेशन में परंपरा से जब हम ज्ञान लेते हैं उससे जो हमारे अंदर रिलीफ आता है वो अमेजिंग होता है। यही पर यहाँ पे बता रहे श्री प्रभुपाद कि क्योंकि ये आत्म स्वरूप का प्रत्यक्ष अनुभव कराने वाला होता है, यू कैन फील द डिफरेंस, सीधे सीधे आपको पता चलेगा कि आप शरीर में आत्मा है। तो ये क्या है, राज्य विद्या है, और क्या क्वालिटी है, यह धर्म की पूर्णता है। ये नॉलेज जो है इसमें धर्म है। अगर आप देखिए जितने भी मटेरियल नॉलेज है इसमें एकेडमिक एक्सीलेंस तो है लेकिन मोरालिटी नहीं है। जी माता जी, है ना, हर जगह करप्शन है ना? हर लोग अल्कोहल लेते हैं, मीट ईटर होते हैं, सिगरेट पीते हैं, चीटिंग प्रोपेंसिटी होती है, धोखाधड़ी होती है, हिपोक्रेसी होती है, जबकि बहुत बड़े बड़े पोस्ट पर रहेंगे,
है ना। लेकिन ये ज्ञान वाला व्यक्ति जो है, इन इस ज्ञान को जो व्यक्ति ग्रहण करता है या इस ज्ञान को जो पोजेस करता है, वो धर्म को फॉलो करता है, धर्म का पूर्णता है जी मदर जी। और ये अविनाशी है। और क्या इसकी क्वालिटी? अविनाशी मतलब अगर ये नॉलेज आप लेंगे तो इसका नाश नहीं होता। जबकि आपको अगर थोड़ा सा अगर देखिएगा तो आपको 3 में 4 में क्या पढ़ा तो आप भूल गए, लेकिन ये जो नॉलेज है ये अगर आपके अंदर आ जाता है और आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है तो हो सकता है श्लोक भूल जाए आप, लेकिन प्रिंसिपल नहीं भूलेंगे जी मैम। प्रिंसिपल तो ये ज्ञान कैसा है, ये शरीर के समाप्त तो होने पर भी ये ज्ञान आपका बना रहेगा। है कोई ऐसा नॉलेज? नहीं माता जी, इस नॉलेज नहीं है। तो दिस दैट्स व्हाई दिस इज राज विद्या। और इसकी साधना भी क्या थी? और जैसे कि हम जब स्टडी करते हैं तो कितना दुख मिला है हमको, याद है आपको? हम जब स्टडी करते थे, एग्जाम देना, ये करना, सुबह से स्कूल जाना, सुबह उठना, कितना दुख से भरा हुआ था, सोचते थे कब खत्म हो, है ना। लेकिन राज विद्या का जो नॉलेज है जब व्यक्ति लेता है तो सुसुखम, बहुत सुख पूर्वक लेता है। अब आपको कीर्तन कर